हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर कुमार नीत गोयल है और हमारे यूट्यूब चैनल A to Z करियर्स में आपका स्वागत है। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं और लगातार हमारी वीडियो को देखते हैं। आपको पता है केवल जेन्युइन वीडियो मिलती है A to Z करियर्स पे 11 फरवरी से 22 फरवरी तक। जिस भी तारीख को एग्जाम हुआ है वही वीडियो मिली है। आपने देखा होगा बहुत सारे चैनल आपको लगातार 23 से 28 की भी वीडियो देते रहे जो कि बिल्कुल झूठ था, लेकिन हमारी वीडियो काफी दिन बाद आई है। लेकिन काफी दिन बाद आई कहां है, जब एग्जाम ही नहीं हुआ तो वीडियो कहां से आती। तो झूठ के पुलिंदे पर मकान नहीं खड़े किए जाते, तो सच्ची बात और सीधी बात, नो बकवास। आइए शुरुआत करते हैं। 1 मार्च को पहली शिफ्ट का जो पेपर हुआ SSC GD का, उसकी GK, रीजनिंग, हिंदी और मैथ के सारे क्वेश्चन जितने हमारे स्टूडेंट हमें देते हैं और हमारी टीम जाती है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पहली शिफ्ट का, 1 मार्च का पेपर 2019 का SSC GD कांस्टेबल का, करंट अफेयर से। 2019 जनवरी तक संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हो जाएंगे? टोटल अनुच्छेद 395 है और 395 ही रहेंगे। पहले भी 395 थे, क्योंकि जब भी कोई अनुच्छेद जोड़ा जाता है, जैसे 21A जोड़ा गया तो उसके पार्ट जोड़े जाते हैं, तो संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 की 95 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 के जो अर्जुन पुरस्कार दिए गए हैं उसमें क्रिकेट का अर्जुन पुरस्कार किसको मिला है? ये महिलाओं में स्मृति मंधाना को मिला है। और सारे राष्ट्रीय पुरस्कार, ओस्कर पुरस्कार, इन सब की क्विकर वीडियो मैंने डाली हुई है, प्लेलिस्ट जीके ट्रिक्स में जाके उन वीडियो को जरूर देख के जाइएगा अगर आप सफल होना चाहते हैं। वो 50 के करीब वीडियो है और मैं आपसे कहूंगा कि करंट अफेयर्स की वीडियो भी हम रोजाना आपको देते हैं, उस वीडियो को भी जरूर देखा करो। और 6 बजे हमारी लाइव क्लास चलती है, उसे भी जरूर देखा करो। और ये हमारा मोबाइल नंबर 9837282318, आप इस पे सारे क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं अगर आपके आगामी किसी भी डे में एग्जाम पड़ता है। अपने दोस्तों को भी बोल सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक का बटन जरूर दबा दिया करें। लाइक का बटन दबाने के बाद आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं और आपको क्या उम्मीद है। इसकी हम जल्दी से कट ऑफ भी बना के आपको देंगे। तो अगला क्वेश्चन है, 2022 के शीतकालीन ओलंपिक कहां होंगे? ये चाइना की राजधानी बीजिंग में होंगे। लक्ष्मी प्रसाद, यह पुस्तक किसने लिखी? लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक लिखी थी ट्विंकल खन्ना ने। लक्ष्मी प्रसाद बुक पर ही पैडमैन नामक मूवी बनी थी जिसमें अभिनय किया था पैडमैन में खुद अक्षय कुमार ने। अक्षय कुमार की वाइफ है ट्विंकल खन्ना, राजेश खन्ना की बेटी है ट्विंकल खन्ना। सबसे बड़ी पार्टी किस देश की है जिसमें अब तक सबसे ज्यादा सदस्य हो गए? ये अमेरिका की है। अमेरिका की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। कन्नौज किस राजा की राजधानी हुआ करता था? हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज हुआ करता था। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, कई बार SSC GD के एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? कराकोरम की पहाड़ियां भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। पेरिस की राजधानी फ्रांस है तो क्यूबा की क्या है? यह रीजनिंग में आया था, क्यूबा की कैपिटल हवाना है, डायरेक्टली कैपिटल का सवाल नहीं था, एनालॉजी में सवाल आया हुआ था। घोड़ा गाड़ी खींचना कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? न्यूटन के थर्ड लॉ पे, न्यूटन के गतिविचक तृतीय नियम पे ये सिद्धांत कार्यरत है गाड़ी खींचना। पिग से होने वाली बीमारी, सुअर से होने वाली बीमारी कौन सी है? स्वाइन फ्लू पिग से फैलता है, उसका मांस खाने से फैलता है। गेटवे ऑफ इंडिया भारत में है तो एफिल टावर कहां है? एफिल टावर पेरिस में है। यह भी एनालॉजी का क्वेश्चन था जो रीजनिंग में आया हुआ था GK का। उपभोक्ता संरक्षण सिद्धांत अधिनियम कब लागू हुआ पूरे भारतवर्ष में? दिसंबर 1986 में लागू हुआ था। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है विटामिन B2 का रासायनिक नाम। पानी फाउंडेशन की स्थापना किसने की थी? पानी फाउंडेशन की स्थापना आपको ध्यान होगा आमिर खान ने की थी, सत्यमेव जयते सीरियल ये करा करते थे, तब इन्होंने जिन इलाकों में सूखा पड़ता है वहां के लिए पानी फाउंडेशन की स्थापना की थी, अपनी वाइफ जो सेकेंड वाइफ थी इनकी किरण के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण का पर्यायवाची क्या है? स्वर्ण के पर्यायवाची कनक और धतूरा होता है। लव कुश रामचंद्र जी के बेटे हैं तो बेटे की जगह क्या लग सकता है? पुत्र लग सकता था, तो ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड था क्वेश्चन। जिसे जीता ना जा सके वो क्या कहलाता है? अजय। जिसे जीता ना जा सके, जिसे भुलाया ना जा सके वो क्या कहलाएगा? अविस्मृति। स्मृति याददाश्त होती है, अविस्मृति जिसे भुलाया ना जा सके।
जान हथेली पर रखने मुआवरे का अर्थ क्या है, प्राणों की परवाह न करना। जैसे कि आपको पता होगा आज अभिनंदन को छोड़ा जा रहा है, शाम के 7:10 तक भी अभिनंदन को छोड़ा नहीं गया, जान हथेली पर रखकर वो वापस आए पाकिस्तान से, और एक मारुति कार ने BMW उड़ा दी। ये कई बार मैंने जुमला देखा भी है, व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा, MiG-21 ने 4th जनरेशन F-16 यान को उड़ा दिया। अभिनंदन जैन, जैन समाज के एक तरह से बहुत बड़ा नाम किया है जैन समाज का, अभिनंदन जैन समाज से बिलोंग करते हैं, अभिनंदन ने जान हथेली पर रखकर वापस आ गए, और उनसे बड़ा देशभक्त शायद ही कोई होगा। उन्होंने कह दिया मैं इतना ही जानता हूं, मेरा ये नाम है और बाकी मैं आपको नहीं बता सकता। जान हथेली पर रखना, प्राणों की परवाह ना करना, फूक फूक कर कदम रखना का मतलब होता है सावधानी से कदम काम लेना, सावधानी से काम करना। यानी कि आपको ध्यान होगा नरेंद्र मोदी जी फूक फूक कर कदम रख रहे थे और 40 के बदले 400 को मार डाला सर्जिकल स्ट्राइक टू में। श्रद्धालु की वर्तनी क्या, श्रद्धालु की वर्तनी यही सही है, श्रद्धालु इसी तरह से लिखा जाता है। सामान्य का विलोम क्या है, सामान्य का विलोम विशेष होता है। विध्वंस की वर्तनी क्या है, विध्वंस की वर्तनी यही है, विध्वंस इसी तरह से लिखा जाता है। वर्तनी के दो सवाल, विलोम शब्द के दो सवाल, पर्यायवाची के दो सवाल, मुहावरे के दो सवाल, हिंदी सबसे हल्की आ रही है और इंग्लिश हिंदी में से एक ही चीज करनी है आपको, हिंदी करके आए, मेरा विचार है अगर हिंदी आप करें तो ज्यादा अच्छा। शिक्षा के लिए क्या उद्देश्य है, शिक्षण के लिए अनिवार्य क्या, एक पैराग्राफ आया होता जिसे फिल इन द ब्लैंक्स करना था, ये आसानी से आप कर पाएंगे। ए 10 दिन में किसी कार्य को करता है, बी उसी कार्य को उससे डबल दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, काम समय के क्वेश्चन आए हुए थे। 40 छात्रों को उम्र का औसत 40 है, 41वें के आने पर एक औसत बढ़ जाता है, तो 41वें की उम्र क्या है, 24,500 का विक्रय मूल्य क्या होगा, यदि उस पर 2 लगातार छूट दी जाए 5-5% की तो विक्रय मूल्य क्या होगा। फूल लाल कपड़ा दर्पण चित्र बताना है, फूल लाल और कपड़ा में, देखिए फूल, कुछ फूल लाल हो सकते हैं और कुछ कपड़े भी लाल हो सकते हैं, तो ये वाला वेन डायग्राम बनेगा क्योंकि फूल और कपड़ा तो कभी रिलेशन आएगा ही, तो ये वाला डायग्राम इसका सबसे सही चिन्ह होगा। ये हमारा चैनल A to Z करियर्स, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल वाला आइकन भी दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। स्मार्ट ट्रिक्स मेमोरी टेक्निक्स की वीडियो मिलती हैं आपको, मैंने हाल ही में ओस्कर अवार्ड की वीडियो PH मान को याद करने की वीडियो डाली हुई है और पाकिस्तान और भारत के बारे में भी बताया है, वो वीडियो जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट में जाके। सबसे पहले देते हैं सबसे यूनिक, सबसे सटीक और सच्चाई से भरी वीडियो, आपको फालतू वीडियो नहीं मिलेगी, कोई भी वीडियो हमारी रिपीटेड नहीं होती, एक वीडियो एक बार। अगर हमने आपको जासूसी एजेंसी याद करना सिखाया, PH मान याद करना सिखाया, तो बार बार हम वीडियो नहीं देते, केवल एक वीडियो एक बार देंगे और वही काम आनी है। आप ओस्कर अवार्ड 2019 देखेगा, एक सेकंड में आपको याद हो जाएंगे। A to Z करियर्स इज ऑलवेज विद यू, माय नेम इज डॉक्टर कुमार पुनीत गोयल, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, इवन आई हैव प्रोवाइडेड माय मोबाइल नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स वेयर यू कैन राइट अप योर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्टडी, आई विल ट्राई टू गिव यू सम सॉल्यूशन। गॉड ब्लेस यू, ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और सबसे पहले मिलेंगे आपको SSC GD के 3 शिफ्ट के पेपर। थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग अस।